फ्रेंड्स, मैं हूं गुरमीत कौर माइथ्रेड क्रिएशंस की ओर से। आज हम देखेंगे कॉलर वाली कुर्ती की ड्राफ्टिंग किस तरह की जाती है। अब इसमें मैं फुल कुर्ती तो नहीं ड्राइंग करूंगी, सिर्फ ये ऊपर का जो पार्ट होता है वही ड्राइंग करके जहां हम चेंजेस करते हैं कॉलर कुर्ती के लिए वही मैं आपको बताती हूँ। सी, ड्राफ्ट सेम रहेगा, सब कुछ सेम तरह से ये ड्राइंग करना है। ओके, तो सबसे पहले ये इस तरफ आती है अपनी फुल लेंथ, ये हमारी फुल लेंथ ये। ओके, इधर से इधर हम लेते हैं शोल्डर का हाफ प्लस 1 फुट, तो यहाँ पर हमारा शोल्डर 14, तो 7.5। यहाँ से यहाँ हम लेते हैं शोल्डर का हाफ माइनस हाफ, दैट इज 6.5। और यहाँ से यहाँ हम लेंगे शोल्डर का हाफ माइनस 1, दैट इज 6। ओके, तो शोल्डर हाफ 14 डिवाइडेड बाय 2, 7, 7 माइनस 1, 6, 6 पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ये इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं, चेस्ट आर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 9। ये फिर बॉडी पार्ट ही बता रही हूँ मैं ऊपर का आपको। ओके, ठीक है। अब इसमें जो मेन जो डिफरेंस होता है कॉलर वाली कुर्ती में वो होता है ये आर्म्स रबर का, यहाँ से हम जो स्लोप लेते हैं उसका। अब इसके लिए यहाँ से यहाँ जो गले की जो विड्थ रहेगी वो हम 3 इंचेस लेते हैं। मैक्सिमम आप ले सकते हैं 3.25, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा ही हैवी बॉडी है या फिर कुछ किसी का शोल्डर ज़्यादा है तो फिर आप देन यू कैन गो फॉर 3.5, और एल्स आप 3 से 3 से 3.25 तक के बीच में अटक जाइए। ओके, उससे ज़्यादा मत लीजिए वरना कॉलर फिर ड्रिप बहुत चौड़ा चौड़ा हो जाएगा वो। तो यहाँ पर मैं 3 लूँगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हम लेंगे नेकलाइन की जो जहाँ पर हम जो कॉलर लगेगा, ओके, तो ये हम लेंगे 5 इंचेस पे। 5 इंचेस पे आप एक मार्क कर दीजिए इस तरह से, जहाँ पर आपका 5 इंचेस आ रहा हो, ये मेरा 5 इंच इधर आ रहा है, मैं मेक अ मेजर पॉइंट। ये हमारा एक, ये लाइन आपको सीधी ड्राइंग नहीं करनी, यहाँ मैं कर्व करूँगी, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इस लाइन के ऊपर हमारा कर्व चलेगा। ओके, अब ये तो हो गया फ्रंट का पार्ट। अब यहाँ से ये पॉइंट पे हम स्लोप लेंगे हाफ इंच का। अगर 32 चेस्ट आप आधा इंच का स्लोप लीजिए, और यदि आपकी चेस्ट 32 से ऊपर है, 34, 36 व्हाटएवर, तो फिर आप लीजिए 3/4 से। ओके, यानी 1/4 इंच नीचे उतरना है। तो यहाँ पर मैं उतरूंगी आधा इंच का ये स्लोप लिया मैंने, और ये स्लोप को हमने इससे मिला दिया। तो ये जो डिफरेंस होता है ये मेन डिफरेंस होता है हमारे कॉलर वाली कुर्ती में। ओके, अब ये तो हो गई बात फ्रंट की, अभी हम इसका शेप दे देते हैं। तो ये शेप हम जो देंगे वो इस तरह से देंगे। आप चाहो तो इसे आप कर्व से भी कर सकते हो, आप जैसा ठीक लगे आपको। आप, मैं आपको कर्व करके बता देते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने कर्व ले लिया। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया फ्रंट का पार्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक में। बैक की जो ड्राफ्ट कॉलर वाली कुर्ती जो कमीज होती है, कॉलर कमीज, उसमें बैक में हम ज़्यादा डीप गला नहीं लेते हैं, हम सिर्फ आधा इंच ही नीचे उतरते हैं। तो यानी यहाँ से जो अब जो हम जो गला जो काटेंगे, यहाँ हमने 5 नेकलाइन ली थी लंबाई, वो यहाँ पर हम सिर्फ 1/2 इंच लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यहाँ एक 1/2 इंच पर मार्क लगाइए, और फिर इस पॉइंट को आप ऐसे गोलाई में कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो कटेगा ये बैक हो गया, ये मेरा फ्रंट का हो गया। अब कॉलर वाली कुर्ती फ्रंट से यहाँ से हम ओपन रखते हैं, तो ये हम यूजुअली 10 इंचेस लेते हैं। नॉर्मली हम इसको 10 इंच लेते हैं, आप चाहो तो आप कम भी ले सकते हैं। और फिर ये यहाँ से इसको हम ऐसे काट देते हैं, इस तरह से यहाँ से ये कट जाती है, ओपन रखते हैं। चाहो तो आप इसे बटन पट्टी लगा दो, कुछ भी आप कर सकते हैं उस हिसाब से।
ठीक है। ये लाइन मैं रब कर देती हूँ और एल्स आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम इसको रब कर देते हैं। तो ये एक बेसिक हमने अपना ड्राफ्ट बना लिया है, इसको से देते ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ हाफ इंच, और यदि कोई ज्यादा है चेस्ट लंब को ज्यादा है तो आप उसको 3/4 पे कर दीजिए। तो ये स्लॉपर हम अपना 3/4 पे रखेंगे, यानी 1/4 इंच पे, ओके। तो ये तीन चीज आपको, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक ये आर्म स्लॉपर, ये जो स्लोप लेते हैं हम हाफ इंच का, 32 इंच तक अगर चेस्ट है तो आप हाफ इंच लीजिए, 32 के ऊपर है तो आप 1/4 इंच लीजिए, आधा इंच और 1/4 इंच। पीछे का गला सिर्फ आधा इंच ही उतरना है, उससे ज्यादा नहीं उतरना है, बिकॉज हमारे जो नेक पीछे से बंद हो गया, हमारा कॉलर पीछे बंद रहता है। यही फंडा यदि आप बंद गले की जो हम कुर्ती सिलते हैं उसमें भी हम यही फंडा अपनाते हैं कि हम जो है उसको सिर्फ आधा इंच नीचे उतरते हैं, एंड फ्रंट का गला जो है वो 5 इंच पे उतरेगा। 5 इंच के बाद यहाँ से यहाँ ये खुला हो जाएगा, ओके। मैं एक बार और इसको हाईलाइट कर देते हैं, हाफ इंच पे, और ये हमारा हो जाएगा 3/4 इंच पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा, ये बैक, और ये हमारी हो जाएगी फ्रंट, ओके। सो दिस इज फ्रंट and this is for back। अब ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको ये पूरा ड्राफ्ट समझ में आ गया होगा। आप ये पूरी जो मेरी कुर्ती ड्राफ्टिंग है, मेरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं इस ट्यूटोरियल को, ओके। एंड सेम थिंग, शोल्डर का हाफ प्लस 1/4, शोल्डर हाफ प्लस 1/4 इंच, शोल्डर हाफ माइनस 1/2 इंच, एंड शोल्डर हाफ माइनस 1 इंच, एंड ये पूरा हो गया चेस्ट डाउन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, और ये स्लोप यहाँ पर अपना आर्म होल आ जाता है। बता देती हूँ आप, ये हमारा आर्म होल कब हो गया। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और या बेल जो है उसको प्लीज़ ऑन रखिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।